उसके बाद ये बोलो कि हाँ कुत्ते उसके बाद कुत्ते मतलब क्या होता है लड़कों से आपको लड़कों को निकाल देते बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो व्यवहार करके सीखता है ठीक। लेकिन जो यहाँ पे संज्ञानात्मक लोग कहते हैं नहीं व्यवहार वाला भी कोई चीज नहीं है, बच्चा जो कुछ भी सीखता है स्वतः सीखता है, कुछ क्रिया करके सीखता है जो पियाजे कहते हैं ठीक। अब चलो देखो अर्थम सिद्धांत में सबसे पहले कौन आते हैं, ठंडाई। हमेशा या तो ठंडाई को पूछ लेगा या फिर सीनियर को पूछ लेगा या फिर माँ बाप को या फिर कोई बेटा को बोलकर साहब ठीक। एक कोहल वर्ग भी होते हैं जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे, कोहल वर्ग वो अपने फर्स्ट पेपर में है पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े तो आप पढ़िएगा। उसके बाद उसमें जो है वो कोहलर है ठीक। सबसे पहले ठंडाई है क्या भाई जो सिखा है वो ही है ठीक ठीक। मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा जीव प्याजे का चचेरा भाई कोई हूँ, मैं भी वो आप ही लोग के साथ पढ़ा हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा क्या है थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया मतलब ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन आपको समझा दे रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है ना। तो क्या हो उच्च परिपक्व मैं हो गया, आप लोग मिनी परिपक्व हो, आप अभी जाकर जो लोग निर्भर कर रहे हैं ना अभी से ब्रह्मविद्या वाले लेकर के पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कुछ लोग पक्का। तो क्या होगा आप भी तो पढ़ा रहे हो ना, एक लेवल हुआ है यहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे आप लोग अभी तो किसी को पढ़ा रहे हो, तो यही तो है अध्ययन। एक उच्च परिपक्व वाला व्यक्ति निम्न परिपक्व वाले को समझा रहा है, यही तो है अध्ययन ठीक। इसका एक चैप्टर मेरे भाई की वेरिएबल्स इन टीचिंग प्रोसेस शिक्षण प्रक्रिया में चल शायद सेकंड चैप्टर आपका होगा है ना, उसमें एक आंसर पढ़ाएंगे ब्लूम की टैक्सोनॉमी। समझ में आया सबको, कौन बोला है इसे खड़े ही बताइए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या आता है बताइए जल्दी, थोड़ा सा बताएं मैं उसको कंप्लीट करूँ, बताइए चलिए क्या बताइए। और चौथा क्या बोलिए, हाँ उसके बाद त्रुटि और प्रयास में यही है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। देखो क्या होते हैं ना जो बात ठंडा भेजा था कोई बात कहते हैं कोई बात और देखो वो चीजें यहाँ पे होगी है तो